बातचीत करने वाले हैं आशियाना हाउसिंग के बारे में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विशाल गुप्ता साहब मौजूद हैं। गुप्ता साहब, मॉर्निंग टू यू, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। हाल ही में आपने राजस्थान में जमीन खरीदी है, विच एक्चुअली हैपेंस टू बी एग्रीकल्चर लैंड, पर उसे ऑब्वियसली उसे कन्वर्ट किया जाएगा। इस खरीद के बाद इस समय कुल लैंड बैंक कितनी हो गई आपके पास? 10.1 मिलियन स्क्वायर। और उसकी एस्टिमेटेड वैल्यूएशन क्या होगी? जो राजस्थान की लैंड है उसे कब तक आप डेवलप करेंगे? जमीन अभी हम लोगों ने ली है, मास्टर प्लान में 8 जोन की जमीन है, और मतलब इसमें अभी जो और रेगुलेटरी क्लियरेंसेज आर रिक्वायर्ड, और हम उम्मीद करते हैं कि 6 महीने से 9 महीने के अंदर हम लोगों को ये सारी क्लियरेंसेज प्राप्त होंगी और उसके बाद हम प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे। गुप्ता साहब, इसमें टोटल अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया कितना होगा आपका? 4.3 मिलियन स्क्वायर फीट। जिस तरह का एनवायरमेंट है इस समय, आर यू फेसिंग एनी सीरियस फंडिंग इश्यूज फॉर योर प्रोजेक्ट्स? बिकॉज लॉट ऑफ डेवलपर्स जिसके साथ हम बात करते हैं, उनका ये कहना है कि इस समय इस पूरे सेक्टर में कुछ हद तक लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है। सम ऑफ द डेवलपर्स आर मॉर्गेजिंग देयर प्रॉपर्टीज एंड रेजिंग फंड्स, कुछ अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का सहारा ले रहे हैं, बिकॉज जो मार्केट का रूट है वो फिलहाल इक्विटी मार्केट्स का, दैट इज ऑलमोस्ट यू नो ऑलमोस्ट डेड फॉर रियल एस्टेट प्लेयर्स। आप फील कर रहे हैं ऐसा कोई क्रंच? नॉट रियली नियर। हम लोगों का मार्केट रिस्पॉन्स इज बीन वेरी गुड, और क्योंकि हम लोगों ने प्राइसेस पे काफी ध्यान रखा है और हम मिडिल इनकम सेगमेंट में काम कर रहे हैं, तो आर बुकिंग हैव बीन वेरी गुड एंड वी हैव बीन मैनेजिंग वेरी वेल विद एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। What's the status on your projects in Lavasa? Because it's stuck into a larger litigation. Obviously, उसका impact आपके projects पे भी आता है। तो एक तो वहाँ पे अब तक कितने पैसे आपने invest किए हैं, which are right now blocked there? And once you get the clearance, तो उसके बाद कितने समय में you will be able to complete and monetize your project in Lavasa? Right now, our investments are to the tune of 30 crores. We are hopeful, we are getting positive feelers both from the government and Lavasa that things are looking positive, and we are very hopeful that we should start work soon. Once we start the project, I think the total project will take 3 years to complete in phases, and the phase one we should be able to hand over in a period of 1 year from start of construction. Q1 में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? As in what to expect from Q1 numbers, considering that Q4 was better than expected? It'll be better than that. All right, चलिए, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए, and all the best for coming quarter. राशियाना हाउसिंग पर बातचीत करते हुए हमारे साथ गुप्ता साहब, और उनका ये कहना है कि Q1 में Q4 से बेहतर नतीजों की उम्मीद की जा सकती है। उम्मीद बाजार से भी आज अच्छी खासी थी, निफ्टी 5700 के ऊपर होल्ड करेगा ऐसी उम्मीद थी बाजार की, लेकिन फिलहाल मजबूती बनी हुई है, लेकिन 5700 का रेजिस्टेंस निफ्टी पर प्ले करते हुए। इसी के साथ शेयर बाजार लाइव को यहीं खत्म करते हैं। ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं मंडी में क्या हो रहा है इस समय। नमस्कार।